अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है यार। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे एंड आज की ये वाली वीडियो भी भरपूर एंजॉय करने वाले हो। हाँ, इंट्रो थोड़ा सा चेंज किया है एंड आज की ये वीडियो गेम प्ले के ऊपर है। जैसे कि आपको पता है, न्यू इवेंट पबजी मोबाइल के ऊपर आ चुका है एंड भाई साहब कतई मजा आने वाला है। एंड ये एक पाकिस्तानी लॉबी का गेम प्ले है। देखो यार, अगर तो आपको ग्लिचेस करने हैं ना तो अरबी लॉबी बेस्ट है, एंड अगर आपको ज्यादा किल्स चाहिए तो भाई पाकिस्तानी लॉबी खेलो, कतई मजा आ जाता है। एंड यहाँ पर आपके भाई को मशीन गन मिल चुकी थी, साथ में स्कारल भी मिल गई, वेस्ट भी मिल गई एंड पर बंदे क्लोज आ चुके हैं मेरे काफी। और यहां पर ये बेचारा बिना गन के ही मर गया। और जैसे कि ओके, इसको भी ले लेते हैं। जैसे कि आपको पता है यार, इस इवेंट में ना लूट कोई ज्यादा नहीं है, काफी ज्यादा कम है, बस घरों के अंदर ही आपको लूट देखने को मिलती है। तो वो बेचारा भी बिना लूट के मर गया एंड यहाँ मुझे मिल जाती है मेरी ग्लेशियर। तो अब यहाँ पर लाइटें चमकाने का टाइम आ चुका है एंड यहाँ पर मैं सामने देख रहा था कोई है तो नहीं। भाई साहब, ये लौंडा तो कतई गलत फ्री फायर दे रहा था। खैर, जैसे जैसे आपका भाई इसकी पेटी बना देता है, क्योंकि यहाँ पर यार किल वाला सीन है तो लगे हाथ फिनिश करना पड़ता है। ऑटो रिकॉल वाला सीन भी है इसमें एंड यहाँ पर सामने मुझे बंदे की हेयरिंग आ रही थी तो मैंने कहा चलो वेट करते हैं इसका, क्योंकि एक बंदा मेरे ऊपर भी है तो डायरेक्ट मैं उसके ऊपर नहीं जा सकता था। अब इसका किल तो मैंने उठा लिया था, सोचा आगे जाते। अरे नहीं भाई, मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। भाई यहाँ पर बंदे कहीं से भी आपको पड़ जाएंगे तो भाई कवर टू कवर एक ही खेलो, वही सही रहता है यहाँ पर। खैर, जैसे जैसे आपके भाई ने यहाँ पर हील लगा लिया, एक ऊपर बंदा था, मैंने कहा चलो यार ऊपर वाले को तो कपड़े घंटे से ऊपर बैठा हुआ है। यार आपस की बात है, इसके साथ तो काफ़ी ज्यादती होगी, सामने से भी इसको पड़ी थी, ऊपर से मैंने रश कर दिया, इसको पता भी नहीं चला। खैर, अब यहाँ पर सामने मुझे बंदों की हेयरिंग आ रही थी तो मैंने कहा चलो यार जाकर देखते हैं क्या सीन है। सो गाइस, यहाँ पर मैं 10 बंदे मार देता हूँ एंड 3 बोट मार देता हूँ, 13 किल होते हैं जहाँ से मैं निकलता हूँ। और ये चीज़ भाई उड़ने वाली काफ़ी ज़्यादा सही है, अगर आपको रश करना है ना तो भाई इस तरह उड़ के ना आप अपार्टमेंट के ऊपर भी जा सकते हो। खैर, मैं यहाँ पर गाइड ढूंढने आया था एंड सामने मुझे कोई दिखाई देता है, जोड़ बाई जोड़ कॉन्कर का प्लेयर मार दिया आपके भाई ने, आपस की बात है। खैर, उसके बाद मैं यहाँ पर बगी उठा कर आता हूँ एंड यहाँ पर मुझे 4 बंदे दिखते हैं। अब यहाँ पर मैं एक बंदा नोक कर देता हूँ, अगर आप लोगों ने नोट किया हो, इसका जो पहले बंदा था ना एक्स शूट वाला, उसको जब मेरा हेडशॉट पड़ता है ना तो भाई बंदा यहाँ से 9-2-11 हो जाता है एंड भाई इतना दूर भाग जाता है कि मैं भी सोचता हूँ कि भाई आखिर में इसको हुआ गया। खैर, इसका तीसरा बंदा यहाँ पर बिल्कुल सामने से आता है बगी लेकर। ओके, पहले तो मैं इसको ही देख रहा था। अब इस बंदे ने यहाँ पर थोड़ा सा डैमेज दिया एंड मेरा हेड कनेक्ट हो गया इसको। अब मैं इसी बंदे को ढूंढ रहा था जिसने एक्स सूट पहना था ना भाई, मतलब एक्स सूट पहन कर इतना भागना होता है तो यार एक्स सूट ही मत पहना करो, आपस की बात है। अब ये ना कहना फॉलन स्टार तू ना एम्पटीट्यूड दिखा रहा है, अरे भाई शुगल होता है, चिल क्या करो। अब ये बंदा सामने टीपी भी ले रहा था, अपने टीममेट को बचाने की कोशिश कर रहा था एंड मैंने इसके टीममेट को ऑफकोर्स फिनिश नहीं किया, मैंने कहा बचा सकता तो बचा ले यार। और यहाँ पर आपके भाई ने आईक्यू लेवल 69 यूज किया बट कोई फायदा नहीं हुआ। अब मुझे पता था ये बंदा भाई बिल्कुल मेरे सामने नहीं आएगा, लाइक इतना भाग रहा था, देखो दरख्त के पीछे छुप गया, सोचा मोली करूँ। अरे नहीं भाई, ये कहाँ से पड़ी भैया, ये क्या है? हाँ स्नेक, रुको जरा सबमिट करो मुझे किट लगाने। अरे भाई ये क्या था, गायब हो गया वो, लेट किधर आ गया?
अरे भाई तुम तो बड़े जादूगर हो भैया, अब लास्ट बंदा वही था एक्सूट वाला एंड मैंने कहा चलो फिर से मोली करते हैं, मैं भी नहीं जा रहा भाई तेरे पे, सब्र कर तेरे को मैं जलाता हूँ। लगी 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 भाग रहा है। आइए यल्ला हबीबी गो टू लॉबी। अरे हबीबी तो था नहीं यार ये, खैर जो भी है आपके बाइक का यहाँ पर सस्ता सा क्लच होता है, साथ ही यहाँ पर एक और गाड़ी आती है। आप दो तो यहाँ पर गाड़ी से उतर गए थे एंड ड्राइवर साहब ने पता नहीं क्या पी के रखी थी, मतलब अपने ही नशे में थे अलग दुनिया में। सो लगे आज इनको भी यहाँ पर निपटा देता हूँ, 23 किल आपके भाई के हो जाते हैं। उसके बाद जहाँ पर मेरा टीममेट जो है ना यार वो एक ब्रिज कैंप वाले से नॉक हो जाता है, तो मैं इसको बचाने के लिए आता हूँ एंड सोचता हूँ कि इसको रिवाइव दे दूँ। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा लेट कर देता हूँ, इसका पिछला जो टीममेट है ना वो अच्छा कवर दे देता है इसको यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हीलिंग काफ़ी लो हो चुकी थी एंड जो वेस्ट है ना मेरी वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। तो भैया अब मैंने कहा यहाँ पर किट लगाते हैं, लेकिन टाइम नहीं था, बंदा बिल्कुल सर पर चढ़ आया था, तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर पुश कर लेते हैं, देखी जाएगी, लेट्स गो। तो भैया जैसा कि वेस्ट नहीं थी दो ही पड़ी, खैर 23 किल के साथ ये गेम प्ले यहाँ पर ज़ाया हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, आते हैं हमारे क्लचेस के ऊपर। एंड गाइस यहाँ पर सामने होते हैं मेरे चार बंदे, तो सोचता हूँ पहले यहाँ पर थोड़ा सा फ्री फायर। आइए यल्ला हबीबी गो टू लॉबी माय फ्रेंड्स। सो गाइस आते हैं हमारे अगले क्लच के ऊपर एंड गाइस जो आप लोगों ने पाकिस्तानी लॉबी का गेम प्ले देखा है ना भाई, मैंने वो सुबह सुबह खेला था। तो यार आपको भी पता है सुबह के टाइम पे कितनी नॉर्मल सी लॉबी आती है। खैर यहाँ पर सामने बंदा था, भाई साहब ये बंदा यहाँ पर मुझे 1 HP कर गया है। देखो अरबी लोबी जो है ना भाई, इसमें गोलियाँ बहुत देर से रजिस्टर होती हैं, लाइक अगले बंदे बहुत कते गलत मारते हैं। एंड देखो गाइस पाकिस्तानी लोबी भी काफ़ी सही होती है, काफ़ी अच्छे प्लेयर आते हैं, लेकिन रात के टाइम पर जैसा कि मैंने सुबह खेली थी, तो भाई सुबह की लोबी आप लोगों ने देख ली होगी किस तरह की होती है। ओके तो यहाँ पर मैं नेट करने की सोचता हूँ, नीचे बंदा होता है लेकिन उसको दूर वाली टीम मार देती है एंड उसके बाद यहाँ पर ना एक फुल हैवी वाली टीम पुश करने वाली है गाड़ी के ऊपर। भाई साहब ये प्लेयर कतई जहर थे एंड भाई मैं सोचा था अब मज़ा आएगा ना बिडू भाई, मज़े का क्लच निकलेगा, लेकिन यहाँ पर देखना क्या होता है। भाई साहब ये किस तरह का नेट था भाई, पबजी वालों ने इस अपडेट के अंदर क्रिस्टल वाले नेट डाल दिए यार। एक तो मैं आगे नॉर्मल नेट से तंग था, अब ऊपर से ये भाई डबल पावर वाले नेट, तो भाई समझ जाओ हम लोग क्या होता है।